तो बच्चों आपका स्वागत है पार्थियन बायो पर। और जो अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड इलेवेंथ का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसका आरएच विट्टिकर का जो क्लासिफिकेशन था उसकी बात हम कर चुके हैं। और जो बात मैंने उस दिन आपको बताई थी वीडियो में कि पांच किंगडम वाली बात आपको याद रखनी है, जो पांच किंगडम आपको आरएच विट्टिकर ने पढ़ाए थे, एक आपका मुनेरा था, एक आपका प्रोटिस्टा था, फिर फंजाई था, प्लांटी था और एनिमेलिया था, जिसमें से कि मुनेरा वाली बात जो है वो हम आज करने वाले हैं यहां पर। और मुनेरा की बात की जाएगी, किंगडम मुनेरा। और यहां से क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन तो आपको नीट 2025 में किंगडम मुनेरा से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार प्रोकैरियोट से एक क्वेश्चन तो कोई ना कोई आता ही है, चाहे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा या कुछ ना कुछ आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो आप सीरियस होके इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और जो भी स्लाइड पे हमारा कंटेंट लिखा हुआ है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को यहाँ कवर किया हुआ है। और मैंने अपनी स्लाइड पे कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि उसके लिए आपके पास बहुत सारी रिफ्रेशर बुक हैं और एनसीईआरटी है। तो यहां जो मैंने चीजें लिखी हैं बच्चों, बहुत शॉर्ट में लिखी हुई हैं, बहुत छोटी लिखी हुई हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का जिम्मेदारी मेरी है। तो बात किंगडम मोनेरा की करते हैं बच्चों। तो किंगडम मोनेरा तो सारे के सारे दुनिया में जितने प्रोकैरियोट्स जो होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे कहां आ जाते हैं, किंगडम मोनेरा में। ये वाली बात मैं आपको बता चुका था। तो आगे की स्लाइड पे अपन चलते हैं। आगे की स्लाइड जो है बच्चों अपनी, वो है ये वाली। अब इसकी बात हम करने वाले हैं बच्चों, और ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी जो बात मैं आपको किंगडम मोनेरा में बताऊंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को करना है तो बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, किंगडम मोनेरा, अब किंगडम मोनेरा में मैंने पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, और ये आपकी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है बच्चों। सोल मेंबर्स, आप किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं बच्चों, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, आप उनको सोल मेंबर्स बोलते हो किंगडम मोनेरा के, बिकॉज ऑल द बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के। आप किसी और ऑर्गेनिज्म को बच्चों यहां पर नहीं डाल सकते हो, यहां सारे के सारे आपको बैक्टीरिया ही देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी का पहला पॉइंट कवर। तो बच्चों अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं, जिसका लिखा हुआ है मैंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों, जो बैक्टीरिया कहलाते हैं, एक तो वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूनि मतलब अ सिंगल यूनिट, सेलुलर मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों सिर्फ एक सिंगल यूनिट ऑफ सेल होता है। दो तीन चार पांच छह सात सेल नहीं होते हैं, एक सिंगल यूनिट सेल होता है, तो वो हो गया यूनिसेलुलर। और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, जितने भी किंगडम मोनेरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें मैं बैक्टीरिया बोलता हूं बच्चों, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव टाइप का सेल, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव टाइप का सेल। चलिए यहां तक बात समझ आई आपको या नहीं आई? चलिए अब मैं बात करूंगा बच्चों आपसे प्रोकैरियोट्स की, कि सर अगर आपने मुझे बोला है कि किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया आते हैं वो सबके सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो अब मुझे आप ये बता दीजिए कि सर प्रोकैरियोट क्या होते हैं। चलिए अब इसकी बात की जाएगी। देखो बच्चों, प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। किंगडम मोनेरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, वहां आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किंगडम मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट दिखेगी यहां पर। अगर वहां पर न्यूक्लियस ही नहीं है तो आप बताइए क्या वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी। ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो प्रोकैरियोट का बच्चों अपना पहला पॉइंट मैंने कवर कर दिया है, जिसका कि न्यूक्लियस होगा नहीं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर एब्सेंट होगी। चलिए दूसरा वाला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। दूसरा वाला पॉइंट है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट।
जितने भी बच्चों में आपको बात बता दूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपेरेटस है, इस टाइप के जो सेल ऑर्गेनल आपको अदर सेल्स में मिलते हैं वो आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेंगे बच्चों। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है, इसीलिए यहां आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, तो वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सर यहां पर एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं है? क्वेश्चन आता है बच्चों कि क्या यहां पर एक भी सेल ऑर्गेनल नहीं है? तो बात सुनिएगा ध्यान से, वो क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑर्गेनल राइबोसोम प्रेजेंट विच इज मेम्ब्रेन लेस। बच्चों एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है बच्चों? राइबोसोम। और ये जरूरी है यहां होना। राइबोसोम जो कि एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन लेस मतलब कि उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में बच्चों। और राइबोसोम क्या करता है बच्चों? प्रोटीन फॉर्मेशन में काम करता है। किस में काम करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन में काम करता है बच्चों। और मैं आपको एक और बात बता दूं, राइबोसोम की 70S, राइबोसोम की बच्चों 70S यूनिट यहां पर प्रेजेंट होती है। चलिए अब मैं आपको फोर्थ पॉइंट बता दूं बच्चों कि नो हिस्टोन प्रोटीन, यहां पर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती है प्रोकैरियोट में। देखिए जब आप यूकैरियोटिक की बात करेंगे ना डॉक्टर साहब, तो वहां आपको हिस्टोन प्रोटीन वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन यहां आपको कोई भी हिस्टोन प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा। और सामने वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एंड नो साइक्लोसिस प्रेजेंट। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज साइक्लोसिस? साइक्लोसिस का मतलब होता है बच्चों कि जो सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है बच्चों, मैं आपको बात बता दूं, सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है उसका फ्लो, उसका मूवमेंट, साइक्लोसिस मतलब डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन में होगा, एक क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो फ्लो ऑफ मूवमेंट जो होता है किसका? साइटोप्लाज्म का, यही होता है साइक्लोसिस। तो वो और सेल्स में तो आपको प्रेजेंट मिलेगा, लेकिन यहां पर नो साइक्लोसिस प्रेजेंट, यहां कोई भी टाइप का साइक्लोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, मुनेरा के साइटोप्लाज्म को लेके, कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बच्चों डेंस होता है, काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। और यहां पर कोई भी साइक्लोसिस प्रेजेंट नहीं है, साइक्लोसिस मतलब जो फ्लो ऑफ मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इस स्लाइड पे जितनी भी बातें लिखी हुई हैं बच्चों मैंने, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप दोबारा देख लीजिए, मुनेरा जितने भी मुनेरा हैं सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मुनेरा। फिर मैंने बोला ये सबके सब यूनिसेलर है, मतलब सिंगल सेल के बने हुए हैं, और प्रोकैरियोट है मतलब प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं। और फिर मैंने आपको बोला ये प्रोकैरियोट क्या होते हैं, मतलब वो जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इनमें नहीं है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस टाइप। तो क्या इनमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होगा? मैंने बोला होगा। कौन सा होगा? राइबोसोम होगा जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है और वो प्रोटीन फॉर्मेशन के काम में आता है। फिर मैंने बोला कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, और फिर मैंने बोला यहां कोई भी साइक्लोसिस प्रेजेंट नहीं होता है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यहां 70S टाइप का राइबोसोम यूनिट होगा और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। तो ये अपनी पहली स्लाइड मुनेरा की फिनिश हो गई है बच्चों। देखिए टॉपिक बड़ा है, टॉपिक में टाइम देना पड़ता है बच्चों मुनेरा में। अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, फ्लैजिला की भी बात होगी और प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी भी बात होगी। तो टॉपिक बड़ा है, ध्यान से सुनते रहिएगा, टॉपिक बड़ा है इसीलिए हम धीरे 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 चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे इस टॉपिक में। चलिए अब मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा बच्चों, आगे की बातें सुनना। चलिए अब बात आती है बच्चों
मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मोस्ट मतलब ज्यादा, अबंडेंट, अबंडेंट मतलब जो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जो हर जगह पाए जाएंगे। बच्चों आपको हर जगह ये ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ये जो प्रोकैरियोट किंगडम मुनेरा के जो बैक्टीरिया सोल मेंबर्स जो हैं, ये आपको दुनिया में हर जगह पाए जाएंगे। आप पानी में चले जाइए, आप आसमान में चले जाइए, आप रेगिस्तान में चले जाइए, आप जंगल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ चले जाइए, जहाँ बहुत हार्श टेम्परेचर है, पीएच ज़्यादा है, कंडीशंस बहुत हार्श हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर मिलेगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसी तरीके से जहाँ कोई नहीं आपको देखने को मिलेगा वहाँ आपको ये बैक्टीरिया जरूर देखने को मिलेंगे। बच्चों ये वाला भी अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए मैंने अपना पहला पॉइंट क्या लिख रखा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर मतलब हर जगह आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वाले पॉइंट की भी आपको बात याद रखनी है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा, जहां आपको इंसान देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, वहां आपको अबंडेंट ऑर्गेनिज्म जिसे प्रोकैरियोट बैक्टीरिया बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। देखिए यहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा बच्चों कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है क्या वो सिंपल होता है। आधी अधूरी बात को सुन के टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा, चार नंबर गंवा देंगे आप। इसीलिए पूरी बात सुनना जरूरी है, पूरी बात सुनेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। पूरी बात क्या है कि हाँ, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर है बच्चों वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। आगे आने वाले स्लाइड पे हम इस टॉपिक की बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर भी देखेंगे इनका। लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि क्यों सिंपल है। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे बाहर जैसे एक सेल वॉल है, ठीक है। अब जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है, तो अंदर मैं आपको बात बता दूं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, कोई सेल ऑर्गेनल है नहीं, राइबोसोम है बोलिए, और इंक्लूजन बॉडीज होंगी वो आगे हम बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका जो बिहेवियर है बच्चों वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक तो जहां कोई नहीं मिल रहा है वहां भी ये मिल रहे हैं, इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। चलिए अब आगे की बात मैं बताऊं, ह्यूज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बच्चों, इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी बहुत बड़ी है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बच्चों, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो आपको देखने को मिलेगी बच्चों, वो भी आपको इन्हीं बैक्टीरिया की देखने को मिलेगी। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बोलिए ह्यूज मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अगर क्वेश्चन आता है बच्चों कि बताइए ऐसा कौन सा किंगडम है जहां पर आपको मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी बच्चों, तो उस किंगडम का नाम जाएगा अपना बैक्टीरिया वाला किंगडम, मतलब प्रोकैरियोट मतलब मुनेरा। बोलिए यहां तक बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब बात आती है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। डिफरेंट डिफरेंट आकार के बच्चों बैक्टीरिया होते हैं, उनमें फ्लैजिला है या नहीं है इसकी बात भी करेंगे। अब मैंने बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा एक डायग्राम यहाँ चिपकाया हुआ है अपनी स्लाइड में, और चार टाइप के मैंने यहाँ चिपका रखे हैं, और मैंने वही डायग्राम यहाँ उठाया हुआ है बच्चों जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकता हूं बच्चों, आपको भी पता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे, आजकल यही ट्रेंड चल भी रहा है। नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर आपने देखा भी होगा, तो समय के अनुसार चीज़ें बदल रही हैं, तो समय के अनुसार चीज़ों को हमें भी बदलना चाहिए। पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, आज वो सारी चीज़ें कम कर दी गई हैं।
आप देखिए बहुत सारे चैप्टर को तो डिलीट ही कर दिया गया है नीट के सिलेबस से। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं और एनसीईआरटी से ही देखा जा रहा है सारे के सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि 99% हमारा जो फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी पे होना चाहिए। 1% की बात ये है कि चलो वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन 90% ज़्यादा ज़रूरी है, 99% 1% की बात अलग है। तो इसीलिए मैं 99% हम एनसीईआरटी को ही पूरा रेफरेंस लेके चलेंगे। चलिए, तो पहला अगर मैं शेप ऑफ बैक्टीरिया में बता दूं बच्चों, तो बैक्टीरिया है वेरिएशंस इन देयर शेप एंड ऑन द शेप ऑफ बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक आपका कोकस, जिसको कोकाई बैक्टीरिया बोल रहे हैं, दूसरा मैंने ले लिया है बेसिलाई, तीसरा मैंने ले लिया है स्पिरिल्ला और चौथा मैंने ले लिया है बच्चों विब्रियो। क्या ले लिया है बच्चों? विब्रियो। तो चार ये याद रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है और कई बार यहां से क्वेश्चन आता भी है। एक आपको कोकाई, बेसिलाई, स्पिरिल्ला और विब्रियो, ये चार टाइप के बैक्टीरिया आपको याद रखने हैं बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा कोकाई का, इसको आप अगर याद करें बच्चों तो आप इसको कोकस भी बोल सकते हैं, कोकाई को कोकस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? आप इसको कोकस भी बोल सकते हैं, बोलिए। और अब कोकाई की अगर बात होगी बच्चों, किसकी बात होगी? कोकाई की अगर बात होगी तो देखिए कोकाई जो होते हैं बच्चों, ये वाले बैक्टीरिया शेप में स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल का मतलब क्या है बच्चों? गोल आकार, जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन जो होता है ना उसकी तरह होते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल, बोलिए। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। और कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, एक तो देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्फेरिकल होते हैं, बोलिए। नेचर में कैसे हैं? स्फेरिकल है, शेप की अगर बात की जाए तो। और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, ये वाली बात भी मैंने लिख दी है। चलिए, एक तो स्फेरिकल होते हैं शेप में और बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों, स्मॉलेस्ट होते हैं बच्चों, और ये मैक्सिमम रेजिस्टेंट टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं। तो पहला पॉइंट आपका स्फेरिकल होते हैं, दूसरा स्मॉलेस्ट होते हैं, और तीसरा पॉइंट है बच्चों के मैक्सिमम रेजिस्टेंट यहां है। मैक्सिमम रेजिस्टेंट, ना टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ेगा, ना पीएच का कोई फर्क पड़ेगा, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको कोकाई में याद रखने हैं बच्चों। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? डिप्लोकोकस निमोनिया। ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं इनको आप नोट करते रहिए बच्चों, यहीं से सवाल आते हैं। जितनी चीजें मैं यहां लिख सकता हूं मैं ट्राई करता हूं कि मैं लिख दूं। अगर मैं देखिए सारी चीजें अगर यहां लिखने पे उतर आऊंगा बच्चों तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। इसीलिए जितनी चीजें मैं यहां लिख सकता हूं मैं ट्राई करता हूं लिख दूं। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला डिप्लोकोकस निमोनिया, तो आप उसको लिखने का ट्राई करिए, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें लिखने लग गया तो टाइम बहुत लग जाएगा बच्चों, और मैं यहां आपको चीजें समझाने आया हूं। चलिए, तो एक तो कोकाई में आपने देख लिया स्फेरिकल होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है, और इनका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस निमोनिया। चलिए, अब अपन आते हैं बेसिलाई पे। तो बच्चों आप इन बेसिलाई को बेसिलस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? बेसिलस भी बोल सकते हो इसके एक बैक्टीरिया को, ग्रुप को आपने बेसिलाई बोल दिया, आप इसको बेसिलस भी बोल सकते हो। चलिए, अगर आप इस ग्रुप के बैक्टीरिया की बात करते हैं बच्चों, तो इस ग्रुप के में दिस ग्रुप इंक्लूड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। ये अगर इसकी मैं बात करूं बच्चों, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कहां से? बेसिलाई से। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इंक्लूड करता है ये बच्चों। और एक और बात, ये रॉड शेप के होते हैं।
कैसे शेप के होते हैं बच्चों, जैसे स्फेरिकल शेप के है ना, बॉल शेप के, ऐसे ये जो आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं बच्चों, ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। बोलिए बात समझ आई आपको। और अगर इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है ई कोलाई, एस्केरेशिया कोलाई इसका एग्जाम्पल है, और एस्केरेशिया कोलाई आपकी जिंदगी में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। जब आप एमबीआई पढ़ेंगे ना बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स में, तो आपको ई कोलाई दिन रात आपको ई कोलाई परेशान करेगा। बायोटेक्नोलॉजी में जब आप जाएंगे तो वहां तो ई कोलाई, पता नहीं कितना ई कोलाई आप पढ़ने वाले हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ई कोलाई, तो इसको आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो ये वाली बात अपनी हो चुकी है। चलिए अब यहां से एक और तरफ आगे चलते हैं, स्पिरिल्ला। क्या है बच्चों? स्पिरिल्ला है, और आप इसके एक बैक्टीरिया को स्पिरिलम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? स्पिरिलम भी बोल सकते हो। और इनका जो शेप होता है बच्चों, वो स्पाइरल शेप होता है। कैसा होता है? स्पाइरल शेप होता है। बोलिए ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए और अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दूं बच्चों स्पिरिलम का, तो ये है ट्रिपोनीमा। क्या है बच्चों? ट्रिपोनीमा इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब आगे की बात करते हैं विब्रियो की। ये जो कॉमा शेप आपको कुछ दिख रहा है ना, विब्रियो, इसकी बात करते हैं। अगर आप विब्रियो को कॉमा शेप भी बोल देंगे ना, तो भी कोई ऐसा गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कॉमा शेप इनको आप ये बोलते हैं, और ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। कैसे हैं बच्चों? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, और एग्जाम्पल है इनका विब्रियो कोलेरा। एग्जाम्पल है इनका विब्रियो कोलेरा। और अगर मैं देखो बच्चों फ्लैजिला की बात बता दूं आपको, तो देखिए कोकाई में तो आपको फ्लैजिला देखने को मिलता ही नहीं है। और अगर मैं बेसिलाई की बात करूंगा, तो यहां आपको फ्लैजिला मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। यहां तो फ्लैजिला देखो डायग्राम में ही बना रखा है, यहां फ्लैजिला होता ही होता है। लेकिन हाँ, स्पिरिला के ऐसे कई बैक्टीरिया भी होते हैं जहां आपको फ्लैजिला नहीं भी देखने को मिल सकता है। ऐसे विब्रियो में भी क्या है, फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इधर तो फ्लैजिला होगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको शेप के बेसिस पे बच्चों चार टाइप के बैक्टीरिया बता दिए हैं। और दोबारा मैं इस स्लाइड को पूरी कर दे रहा हूं कि प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा मतलब बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी हैबिटेट में, स्ट्रक्चर में बड़े ही सिंपल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं बिहेवियर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी बहुत बड़ी है बच्चों, आगे पढ़ने वाले हैं। शेप्स के बेसिस पे मैंने आपको बैक्टीरिया चार टाइप के पढ़ाए, एक कोकाई पढ़ाया, एक बेसिलाई पढ़ाया, एक स्पिरिला पढ़ाया, और एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो पढ़ाया, जिसमें कोकाई मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो करेंगे, स्मॉलेस्ट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और कोई भी आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा आपका बेसिलाई होता है, जिसको आप मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया यही मिलेंगे आपको, एग्जाम्पल है इकोलाई, रॉड शेप के होते हैं। और आपको बता दूं स्पिरिला जो स्पाइरल शेप के होते हैं, फ्लैजिला है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इस ग्रुप के ऐसे भी है जिनमें फ्लैजिला नहीं भी होता है। दूसरा विब्रियो कॉमा शेप्ड, और आपका विब्रियो कोलेरा इसका एग्जाम्पल है। तो ये भी अपनी स्लाइड पूरी हो गई है बच्चों, देख लीजिए। चलिए अब अपन आगे की स्लाइड देखते हैं बच्चों क्या है। चलिए बच्चों देखो, जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उन्होंने अपने दिमाग में तो बच्चों सोचा हुआ है कि हम नीट 2025 देंगे और देके डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन बच्चों सोचने से काम नहीं चलेगा, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ये आप बात समझ लीजिए। एक एक दिन बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मैं आज से आपको अगर बच्चों मैं अगर आज से अगर आपका टाइम डिसाइड करूं, तो अगर मैं पूरा का पूरा एक साल भी अगर ले लूं, वैसे एक साल बचा नहीं है, फिर भी चलो मैं एक साल ले लूं, तो मैं अगर 360 दिन भी अगर ले लेता हूं बच्चों, तो आप अगर अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर मैं मानूं, तो 30-30 चैप्टर तो यार कम से कम है ही वहां पे।
30 चैप्टर आपको बायोलॉजी में भी है, 30 चैप्टर केमिस्ट्री में भी है और 30 चैप्टर फिजिक्स में भी है जो आपको पढ़ने हैं। तो टोटल 90 चैप्टर हैं बच्चों। और अगर आप किसका डिवाइड देते हैं बच्चों, तो आप देख लीजिए आपके पास एक चैप्टर को पूरा करने के लिए मात्र 4 दिन हैं। मतलब अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है तो 4 दिन में पढ़ के कंप्लीट करिए। अगर आपको केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो आपको करने के लिए 4 दिन हैं। लेकिन आप क्या है, सोच तो लिया है कि नीट का पेपर देना है, लेकिन तैयारी शुरू करेंगे दिवाली के बाद से, तभी फिर सिलेक्शन होता नहीं है। तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है भैया नीट वाले बच्चों के लिए। मेरा काम बताने का है बच्चों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अब करते हैं बच्चों आगे की बात, इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों आ जाइए फिर से वही अपने आगे वाली स्लाइड की अपन बात कर रहे हैं, और बात अपन करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। मतलब एक बैक्टीरिया की जो सेल का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। और यहां से बच्चों कोई ना कोई घुमा फिरा के बार बार रिपीटेड एक ना एक चीज आपसे पूछ ली जाती है नीट के एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको लेबलिंग बता दूं क्या है। कैप्सूल है अपने पास, सेल वॉल है, सेल वॉल तो थी यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने पास, और क्रोमोजोम है यहां पर, और राइबोसोम है यहां पर जो एक सिंगल एक सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन लेस है, और साइटोप्लाज्म है ही डेंस साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन बॉडीज भी हैं। क्या काम है इनका वो मैं बता रहा हूं आगे, स्टोरेज का काम होता है, और प्लाज्मिड भी है बच्चों, प्लाज्मिड डीएनए भी है जो कि आप बायोटेक में बहुत यूज करते हो इसको, और पाइलस भी है और फ्लैजिला भी है। फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों। क्या है बच्चों, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि काय में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है, और पाइलस भी है। पाइलस मतलब इसको पिलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पिलाई भी बोलते हैं। ये न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको बात बता दूं बच्चों कि जब आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट को पढ़ेंगे बच्चों, तो सबसे पहले कैप्स्यूल आ जाएगा। तो मैं इसकी बात बता दूं बच्चों, एक बात मैंने आपको पिछले बताई थी कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। और एक और बात, स्ट्रक्चर तो बड़ा ही सिंपल है इनका बच्चों, लेकिन इनके केमिकली एक सेल एनवलप की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सबसे बाहर तो आपको कैप्स्यूल देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, कैप्स्यूल देखने को मिल जाएगा जिसको आप ग्लाइकोकैलेक्स भी बोलते हो, ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हो इसको। क्या बोलते हो बच्चों, ग्लाइकोकैलेक्स। फिर आपकी सेल वॉल है आपके पास जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, और फिर आपकी मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि लिपिड की ही बनी हुई होती है। चलिए और एक और बात मैं बता दूं बच्चों, ये आपकी जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये रेड लाइन देखिए और ये ब्लैक लाइन देखिए, इनके बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा बच्चों, इसको हम पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है इसको पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं बच्चों। और इस स्पेस में भर भर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बोलिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए और फिर अपने ये क्रोमोसोमल मटेरियल दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, आपको क्रोमोसोमल मटेरियल दिख रहा है, न्यूक्लियस आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। चलिए फिर आपको छोटे सा राइबोसोम दिख रहा है यहां पे, ये रहा राइबोसोम भी दिखा दिया। राइबोसोम मतलब जो प्रोटीन फॉर्मेशन में काम में आता है, और 70S यूनिट होती है इसकी। कौन सी यूनिट होती है, 70S। और फिर आपको कोई भी ना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। फिर आपको डायरेक्ट साइटोप्लाज्म दिखा दिया गया है। साइटोप्लाज्म मतलब वो प्लाज्मिक फ्लूइड जो एक सेल के अंदर भरा हुआ रहता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि बच्चों ये डेंस होता है। और यहां आपको कोई भी साइक्लोसिस, नो साइक्लोसिस, कोई भी साइक्लोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी फ्लो ऑफ मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। फिर अपना इंक्लूजन बॉडी आ जाता है बच्चों।
क्या आ जाता है बच्चों, इंक्लूजन बॉडी आ जाता है। अब बच्चे पूछेंगे कि इंक्लूजन बॉडी का मतलब बता दीजिए बच्चों, तो इंक्लूजन मतलब स्टोरेज ग्रेन्यूअल बच्चों, स्टोरेज ग्रेन्यूअल, ये स्टोरेज के काम में आता है बच्चों। क्या काम में आता है? स्टोरेज के काम में आता है। क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं बच्चों ये इंक्लूजन बॉडी। प्लाज्मिड की बात करेंगे तो प्लाज्मिड आप बायोटेक में पढ़ेंगे, ये सर्कुलर होता है। और अब बात आ जाएगी पाइलस की, काय की बात आ जाएगी बच्चों? पाइलस। और आप देखें तो बहुत सारे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे होंगे बच्चों, इनको पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पिलाई बोलते हैं। बोलिए, अगर आप एक को बोलेंगे तो ये पाइलस हैं और ये सारे छोटे छोटे ये हैं, पिलाई बोलते हैं इनको। तो पिलाई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि बैक्टीरिया सेल की सरफेस पर बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। क्या है? बैक्टीरिया की बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। और एवरी पाइलस, अगर आप हर एक पाइलस की बात करेंगे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है, इसका स्ट्रक्चर हॉलो होता है। और ये अगर मैं पाइलस की बात बताऊंगा बच्चों आपको, तो ये प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीन मोनोमर, प्रोटीन मोनोमर के बने हुए हैं बच्चों। बोलिए, और प्रोटीन मोनोमर के बने हुए हैं, और कौन सी प्रोटीन के बने हुए हैं बच्चों? पाइलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये पाइलिन प्रोटीन, मैं आपको बात बता दूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। पाइलिन प्रोटीन जो होती है बच्चों, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। बोलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और एक और बात, ये जो पाइलिन प्रोटीन है, जिससे प्रोटीन मोनोमर से पाइलस पिलाई बने हुए हैं बच्चों, ये आप ध्यान से सुनिएगा, आप गलत मत समझ जाना। फ्लैजिला का काम अलग है, फ्लैजिला का काम मूवमेंट करना है, लेकिन पिलाई पाइलस का काम मूवमेंट करना नहीं है बच्चों। पिलाई डू नॉट रोल प्ले इन मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया, इसका काम चिपकना का होता है बच्चों। काय का काम होता है इसका? एडेसिन, एडेशन का है। अगर बैक्टीरिया को कहीं जाके चिपक जाना है तो कौन चिपकाएगा? ये पिलाई काम में आते हैं बच्चों, ये पाइलस काम में आते हैं। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब मैं आपको एक और बात यहां बता दूं बच्चों, आपका जो आउटर मोस्ट में जो आपको एक ग्लाइकोकैलेक्स, ये जो कैप्सूल दिख रहा है बच्चों, तो आउटर मोस्ट यहां मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलेक्स देखने को मिल रहा है, फिर आपको सेल वॉल देखने को मिल रहा है, फिर आपको सीधा सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। तो एक प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी, मैं बाहर से अंदर की तरफ बता रहा हूं। एक आपका ग्लाइकोकैलेक्स, दूसरा आपका सेल वॉल, तीसरा आपका सेल मेम्ब्रेन बच्चों। और मैं इन तीनों की बात बता दूं बच्चों, तो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन टुगेदर एंड एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। मतलब ग्लाइकोकैलेक्स कैप्सूल और सेल वॉल और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्शन मिलता है बाहर के एनवायरनमेंट से। इसीलिए तो बैक्टीरिया हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी हार्श कंडीशन में आप चली जाइए, चाहे जहां कितना भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, कितना भी मॉइस्चर हो, कितनी भी ठंड हो, सर्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन पर। क्यों? क्योंकि इतनी तगड़ी प्रोटेक्टिव यूनिट है। बाहर ग्लाइकोकैलेक्स बैठा है, फिर सेल वॉल बैठा है, फिर आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, अब मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों, इस सेल स्ट्रक्चर को जब आप प्रोकैरियोट को देखोगे ना बच्चों, तो यहां आपको एक और चीज देखने को मिलती है, जिसको आप बोलते हैं मीजोजोम। क्या है बच्चों? मीजोजोम। तो मैं आपको मीजोजोम बता दूं बच्चों, मीजोजोम क्या होता है। मीजोजोम एक्चुअली बच्चों, जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, अगर ये सेल मेम्ब्रेन अगर ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए इस तरीके से, जैसे मैंने अभी यहां ये फोल्डिंग्स दिखा दी ना, अगर ये अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हो जाए, इनवेजिनेट हो जाए, तो इसी को बोलते हैं बच्चों मीजोजोम। मीजोजोम अलग से कुछ भी नहीं है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाए,
तो इसी को आप बोल देते हैं मीजोजोम। अब मीजोजोम का काम क्या है? मीजोजोम का वही काम है बच्चों, ये जो इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं, एक तो आपको ये सेल रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं कि वो सेल रेस्पिरेशन करवाते हैं। एक आपको डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से करवा देंगी, ये भी इंपॉर्टेंट काम है। तो ये एक दो चीजें हैं जो कि जिनके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। और न्यूक्लियस है नहीं, ये जो क्रोमेटिन, ये जो क्रोमोसोम है, इसको आप क्रोमेटिन मटेरियल है, इसको आप न्यूक्लियोइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? इसको आप न्यूक्लियोइड बोल सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं इस टॉपिक की। कोई भी अगर ऐसी बात हो, मैंने सारी चीजें बता दी हैं बच्चों, कोई भी ऐसी बात हो तो आप दोबारा इस स्लाइड को देख लीजिए। मैं यहां से हट जा रहा हूं साइड में, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा इसको। और बैक्टीरिया की जो इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है बच्चों, वो लाइपोप्रोटीन से ही बनी हुई है, जैसे यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में बनी हुई होती है। ये वाली भी बात मैंने आपको बता दी है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के नाम पे यहाँ पे मीजोजोम है वो बता दिया। स्टोरेज ग्रेनुअल हैं जो कि इंक्लूजन बॉडी है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को स्टोर कर ही रहे हैं। एक आपको एक क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोइड बता दिया है। प्लाज्मिड वहाँ पे है ही, जिसके बारे में आप बात करेंगे वहाँ पे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में प्लाज्मिड बहुत काम में आता है। इन सब चीजों की बात हमने कर ली है। चलिए, सेल वॉल बताई दिया है, रिजिड होती है, हार्ड होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। ग्लाइकोकैलेक्स आपको बताई दिया है, ग्लाइकोकैलेक्स क्या होता है ना, जो कैप्स्यूल है, जो कैप्स्यूल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कैप्स्यूल जो है काफी हार्ड है और किस काम में आता है? रेजिस्टेंस के काम में आता है। ये वाली भी बात अपनी हो ही गई है, बोलिए। और कैप्सूल जो बना हुआ होता है बच्चों, ये पॉलीसेक्राइड का और पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। तो ये सारी बातें अपनी हो गई हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ बच्चों, और हम अब आगे आने वाली जो, और हाँ, फ्लैजिला का काम मूवमेंट का है, सीधी सी बात ये है। चलिए, अब मैं आगे चलता हुआ जा रहा हूँ बच्चों, और इस वाली स्लाइड को मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, अब अपन दूसरी स्लाइड पे आते हैं बच्चों, जो आगे वाली स्लाइड है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन मतलब जो भी, देखो हर इंसान को बैलेंस डाइट चाहिए होती है बच्चों, अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए। हर ऑर्गेनिज्म को, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, मुझे पानी भी चाहिए पीने के लिए, मुझे वेज बिरयानी भी चाहिए खाने के लिए, और मुझे जूस भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए है ना खाने पीने के लिए। तो बिरयानी बच्चों, नॉन वेज बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी। कई लोग बोलते हैं कि वेज बिरयानी तो पुलाव होता है, लेकिन बच्चों चिकन बिरयानी आप अवॉइड करिए। सीधा सा कहना हमारा ये है कि देखिए, अगर अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे, मैं अपने चैनल पे बच्चों मैं आपको बात बताऊं, अगर बायोलॉजी के हम टीचर हैं और हमसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा भैया, जो ऑर्गेनिज्म है ना यार, उनका दर्द समझो आप एक बार। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप वीगन डाइट फॉलो कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं, धीरे धीरे जब हम, अभी तो हम पता है क्या प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अब ये बैक्टीरिया वगैरह हमें आंखों से दिखते नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे हम बायोलॉजी में और चीजें पढ़ते हुए जाएंगे, अभी और चैप्टर आगे कवर करेंगे, तो मैं आपको ऑर्गेनिजम्स का दर्द भी समझाऊंगा, मैं आपको फील करवाऊंगा कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सीधी सी बात यह है बच्चों कि आप कोशिश हमेशा यही करिए कि चिकन मटन और इन सबसे आप दूर रहिए और दूसरों का दर्द समझिए यार। चलो ठीक है, ये वाली बात तो हो गई, अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो न्यूट्रिशन तो बैक्टीरिया को भी चाहिए। और एक और बात मैं बता दूं आपको बच्चों, ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, उनके अंदर जो आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा वो हेटेरोट्रॉफिक टाइप का देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा बच्चों? हेटेरोट्रॉफिक देखने को मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। जैसे मैं ऐसा इंसान हूं
जो कि हेटरोट्रॉफिक हूँ, मैं अपना खाना खुद नहीं बनाता हूँ, मुझे ऑटोट्रॉफ से लेना पड़ता है। इसीलिए न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में जब आप देखेंगे तो सारे के सारे बैक्टीरिया, मेजोरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप देखेंगे तो वो हेटरोट्रॉफिक टाइप को देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला आपको देखने को मिलेगा जैसे पैरासाइट बैक्टीरिया हो सकते हैं। पैरासाइट बैक्टीरिया जैसे वो किसी भी एक लिविंग बॉडी पर आपको देखने को मिलेंगे, या तो वो सरफेस पे या फिर वो बैक्टीरिया आपको होस्ट की बॉडी के अंदर फीड कर रहा होगा। एक आपको ऐसे सेप्रोफाइटिक देखने को मिल जाएगा मोस्टली, जैसे डेड और डिकेइंग रॉ मटेरियल पर, जो सड़े गले सब्सटेंस पर जो फीड करते हैं, तो सेप्रोफाइटिक मोस्टली ये आपको देखने को मिलेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी देखने को मिलेंगे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब कि वो वाले बैक्टीरिया कि वो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ जाएंगे, वो उसको बोलेंगे कि देख भाई तू मुझे न्यूट्रिशन दे दे और मैं तेरा ये काम कर दूंगा। जैसे अपन लाइकेन में पढ़ते हैं ना, लाइकेन में बच्चों, लाइकेन में क्या है, एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बोलिए, है ना, कोई उससे न्यूट्रिशन लेता है, कोई उसको शेल्टर देता है, इस तरीके से। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिलेंगे। और आगे मैं बात बताऊं आपको बच्चों, दूसरे टाइप के जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया हैं वो है बच्चों ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जैसे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, है ना, वो अपना ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना खुद फूड बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो सनलाइट यूज करें या कुछ भी यूज करें या कोई केमिकल यूज करें वो बैक्टीरिया, इस तरीके से ऑटोट्रॉफ मतलब वो डिपेंड नहीं है दूसरों पर, वो अपना फूड खुद बनाएंगे बच्चों। तो इस टाइप के दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं मेरे पास ऑटोट्रॉफ में। एक आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो मतलब बच्चों लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब काय का बनना, किसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फूड का बनना, न्यूट्रिशन का बनना। तो विद द हेल्प ऑफ लाइट बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। दूसरा अपना है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया बच्चों, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। मैं लिख भी रखा है बच्चों, केमिकल एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बच्चों ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां से जो भी केमिकल एनर्जी रिलीज होती है उस केमिकल एनर्जी से क्या बन जाता है बच्चों, फूड का मॉलिक्यूल बन जाता है इन प्यारे प्यारे बैक्टीरिया के लिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो कीमोसिंथेटिक टाइप का बैक्टीरिया है, ये जो कीमोसिंथेटिक टाइप का बैक्टीरिया है, इस टाइप का न्यूट्रिशन आपको कहां देखने को मिलेगा बच्चों, जहां आपको एब्सोल्यूट डार्कनेस देखने को मिलेगी, मतलब घोर अंधेरा, जहां आपको लाइट की, उजाले की एक किरण भी नहीं दिखेगी, जैसे डीप सी में। डीप सी मतलब 500 मीटर, आपको पता है बच्चों 500 मीटर से नीचे जब आप जाएंगे ना समंदर में तो घोर अंधेरा हो जाता है, वहां लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, तो ये बैक्टीरिया खाना नहीं बना पाते हैं, फूड नहीं बना पाते हैं, इसीलिए इनको कीमोसिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन करना पड़ता है। तो ये भी स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आगे की स्लाइड पे चलने वाले हैं बच्चों। ये है बच्चों आगे की बात अपनी। जो भी चीजें स्लाइड पे लिखी हुई है सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है बच्चों जो हमने अलग तरीके से लिख रखी हो, वही हमने लिखा हुआ है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए ये स्लाइड जरूरी होती हैं आपको दिखाने के लिए। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो चीज मैं यहाँ साइड में लिखता रहता हूँ पेन से अपने, वो भी चीजें जरूरी हैं। चलिए अब बात उठती है कि सर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया समझा दीजिए, कि साहब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया समझा दीजिए, और समझाने के लिए ही यार हम लोग यहां खड़े हुए हैं, आप सुनेंगे तो सारी चीजें बताएंगे। चलो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बच्चों, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं, और अगर वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो बताइए क्या वो हेटरोट्रॉफिक होंगे या ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे।
अब बात पता है क्या है, ये वाली बात तो समझ में मुझे भी आ गई थी अपने टाइम पे और आपको भी आ गई होगी, लेकिन पॉइंट इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों वो है ये वाला पॉइंट, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। यार ऑक्सीजेनिक तो मैंने सुना था, लेकिन ये अनऑक्सीजेनिक क्या है और क्या ये इतना जरूरी है कि यहां से सवाल आ सकता है? तभी तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये इतना ही जरूरी है कि यहां से सवाल आ सकता है। सवाल ये है कि सर अगर आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या सर वो ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा? भाई प्लांट जो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम यूज में लेते हैं, आपको भी पता है। तो ये बैक्टीरिया भी तो वही कर रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो क्या सर ये भी बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करेंगे? बच्चों अगर ऐसा होता तो फिर तो हम प्लांट से ज्यादा बैक्टीरिया को वो दे रहे होते इंपॉर्टेंस, उनका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता, क्योंकि बैक्टीरिया मेरे हाथ में भी है, मेरी बुक पे भी है, मेरी ये स्लाइड पे भी है, पानी में भी है, समंदर में भी है, हर जगह आपको बैक्टीरिया है, तो अगर वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते तो उससे बढ़िया बात क्या थी। लेकिन बच्चों आपका समझना गलत है, मैं आपको बात बता दूं बच्चों, ये अनऑक्सीजोनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है बच्चों, यहां किसी भी टाइप का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं रिलीज होता है? उसका एक रीजन है, देखिए फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होती है प्लांट्स वाली, वहां आपको H2O यूज होता है, वॉटर का मॉलिक्यूल, जो प्लांट वाला केस होता है। लेकिन यहां अगर आप बात करें बच्चों, यहां H2O की जगह ना H2S यूज होता है, H2S, ये है प्रॉब्लम। अगर H2O यूज होता जैसा प्लांट में यूज हो रहा है तो मैं बोल देता कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन यहां आपको H2S देखने को मिलेगा, तो यहां आपको ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा इसकी रिएक्शन से, इसीलिए इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए अब मैं आपको आगे वाले पॉइंट की तरफ लेके चल रहा हूं, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो बच्चों जो आप प्लांट की फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करें तो वहां भी आपको एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने के लिए मिलता है बच्चों। कौन सा पिगमेंट देखने के लिए मिलता है? क्लोरोफिल। अब बच्चे सवाल करेंगे कि सर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहां भी आप क्लोरोफिल कर दो। भाई मैं नहीं कर सकता यहां क्लोरोफिल, मैं इसीलिए नहीं कर सकता हूं बच्चों क्लोरोफिल, क्योंकि ये प्लांट नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और यहां किसी भी टाइप का सेल ऑर्गेनल नहीं है, ना क्लोरोप्लास्ट है, और अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फिर क्लोरोफिल कहां से होगा यार, आप बताइए। तो यहां क्लोरोफिल होता ही नहीं है। यहां क्लोरोफिल है ही नहीं बच्चों। भाई क्लोरोफिल तो तब होगा ना, तब क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल और क्लोरोप्लास्ट होगा तब तो क्लोरोफिल होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों यहां कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट होते हैं जिनका पहला नाम है बच्चों बैक्टीरियो विरिडिन, जो कि ग्रीन कलर देता है बैक्टीरिया को, और दूसरा बैक्टीरियो परपरिन, जो कि पर्पल कलर देता है, बैंगनी कलर, ये ग्रीन हरा कलर और ये पर्पल कलर। तो दो टाइप के पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्योंकि भैया ये प्रोकैरियोट है और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में है, यहां इस टाइप का सेल ऑर्गेनल नहीं है। लेकिन यहां दो टाइप के स्पेशल पिगमेंट हैं, जिनका पहला है बैक्टीरियो विरिडिन जो ग्रीन कलर दे रहे हैं, और दूसरा है बैक्टीरियो परपरिन जो कि पर्पल कलर दे रहे हैं। तो ये वाली स्लाइड अपनी यहां पूरी होती है, सारी बातें मैंने आपको यहां बता दी हैं बच्चों। बोलिए अगर कोई भी बात आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो वो आप फिर से देख लीजिए, और मैं आपको एग्जांपल भी बता दे रहा हूं बच्चों। अगर आपको ग्रीन कलर का बैक्टीरिया को अगर आपको देखना है बच्चों, तो ग्रीन कलर का बैक्टीरिया का इसका है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम आप याद रख लें बच्चों, और आपको थायोथ्रिक्स भी याद रख लें।
क्लोरो भी हम याद रख लें बच्चों, और थायो थ्रिक्स भी याद रख लें, और पर्पल कलर में क्रोमेटियम याद रख लें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चों कि जो भी बात मैं आपको ये कंटेंट से अलग में ये ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं इनको ध्यान से पढ़िए और इनको समझते चलिए कि मैं क्या कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप बैक्टीरियोविडिन ग्रीन कलर में क्लोरोबियम और थायोथ्रिक्स यूज कर लें, और बैक्टीरियो परपुरिन में पर्पल कलर में बैक्टीरिया का नाम याद रख लें बच्चों, क्रोमेटियम। तो ये है अपना पूरा टॉपिक, बताइए शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और नॉन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है, चलिए अब आगे की बात करी जाएगी बच्चों, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया की बात की जा रही है, और ये दो टाइप के बैक्टीरिया और हैं इसमें, एक आपका फोटो लिथोट्रॉप्स है। क्या है बच्चों? एक आपका फोटो लिथोट्रॉप्स है जिसमें दो टाइप के आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं बच्चों। एक आपको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, इसमें आपका क्लोरोबियम जो मैं आपको पहले बताया, एक आपका ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम, ये भी मैंने आपको बता दिया, और आपको फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया, जहां दो बैक्टीरिया आ जाएंगे, एक आपका ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें आप क्लोरोनीमा याद कर लेंगे, और एक आपका पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया बच्चों जिसमें आप रोडोस्फिरिलम याद कर लेंगे, या फिर एक और आप रोडोसीडोमोनास याद कर लेंगे। तो ये वाली भी स्लाइड आप देख लें, ये मैंने आपको बता दिया है, ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ये आपको देख के चलनी पड़ेगी। तो बच्चों अब अपने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात अपन कर चुके हैं। अब जो माइक चालू करो, अब जो अपनी आगे वाली स्लाइड है ये है बच्चों कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की है। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो लाइट एनर्जी ना यूज करके केमिकल एनर्जी यूज करते हैं अपनी रिएक्शन को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो यहां मैंने आपको चार टाइप के बैक्टीरिया बताए हुए हैं। पहला बैक्टीरिया है अपना हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसमें एग्जांपल है अपना हाइड्रोजिनोमोनास। दूसरा है सल्फर बैक्टीरिया थायोबैसिलस, आयरन बैक्टीरिया फेरोबैसिलस, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, ये आपको याद कर लेना है। यहां मैंने दो बार नाइट्रोबैक्टर लिख रखा है बच्चों, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मैंने दो बार यहां पे नाइट्रोबैक्टर लिख दिया है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहां पे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों, तो दे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजिनस कंपाउंड है ना, ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी। तो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया आप याद कर लीजिएगा। और ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ना बच्चों, ये इनका दे प्ले रोल, ग्रेट रोल प्ले इन न्यूट्रिएंट साइकिल। ये न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट काम में आते हैं बच्चों, लाइक न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन सल्फर, इन सब में ये बहुत काम में आते हैं बच्चों। तो ये नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया को आपको याद कर लेना है। तो कीमोसिंथेटिक में ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ये जरूरी बातें हैं। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। अब देखिए आगे की बात क्या है, सबसे जरूरी बात है बच्चों आगे की बात। देखिए अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया करने वाले हैं बच्चों, और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में बच्चों आपके पास दो टाइप के बैक्टीरिया, सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, सारे डॉक्टर्स का ध्यान इधर होने वाला है। सबसे पहले आर्चे बैक्टीरिया, आर्चे बैक्टीरिया जो कि कितनी भी हार्श कंडीशन में रह सकते हैं, कैसी भी कंडीशन आप इनको दे दो, कितना भी पीएच दे दो, कितना भी टेम्परेचर दे दो, पानी में डाल दो, जमीन में डाल दो, आसमान में डाल दो, लेकिन ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे जिनका नाम आर्चे बैक्टीरिया है और वो हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। क्यों? अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों के आर्चे बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन में रह सकते हैं बच्चों, ये क्यों जरूरी हैं और ये हार्श कंडीशन में क्यों रह सकते हैं, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, जिसकी बात मैं आगे आपको
बताने वाला हूं बच्चों, तो इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव। इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव एंड दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। एक तो ये इवोल्यूशनरी प्रिमिटिव हैं, सबसे पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं, और दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। बच्चों ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं, सबसे पुराने लिविंग फॉसिल हैं। क्यों हैं पुराने लिविंग फॉसिल बोल रहे हैं बच्चों इनको? क्योंकि इन बेचारों ने अपने अंदर कोई भी इवोल्यूशन किया ही नहीं, कोई बदलाव किया ही नहीं। और आपको भी पता है बच्चों कि अगर आप समय के अनुसार अगर अपनी चीजों को चेंज नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी में सबसे पीछे रह जाएंगे। जिस तरीके की सोसाइटी में ट्रेंड चलते हैं, आपको अपने आप को इवॉल्व करना होता है समय के अनुसार, है ना। पहले आप कम मेहनत करते थे, लेकिन अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बच्चों डॉक्टर बनने के लिए। इसीलिए आप अपने आप को नीट एग्जाम के लिए, नीट 2025 के लिए इवोल्यूशन वाली प्रोसेस में डाल दीजिए। देखिए आप म्यूटेशन तो नहीं कर सकते हैं अपने अंदर, लेकिन धीरे 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 सडन चेंजेस ना करके स्लो चेंजेस करना शुरू कर दीजिए उस एग्जाम को टारगेट बना के, वरना आप आर्चे बैक्टीरिया की तरह रह जाएंगे और आपको भी लोग इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव, आपको भी प्रिमिटिव बोलने लग जाएंगे और आप भी एक दिन ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बन जाएंगे अगर आप अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। बोलिए, तो ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी है। और ये ऑब्लिगेट एनएरोब होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं बच्चों। ऑब्लिगेट मतलब मैंडेटरी, ये करना ही पड़ेगा। एक शब्द होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब यह है कि चलो हां या ना, लेकिन ऑब्लिगेट में तो आपको जो बोल दिया वो करना ही पड़ेगा। एनएरोब बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो विदाउट ऑक्सीजन के भी सरवाइव करेंगे। अपनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस, जितने भी काम धंधे हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन कर लेंगे। तो ऑब्लिगेट एनएरोब हैं ये आर्चे बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में रहते हैं। दे आर प्रिमिटिव एंड दे आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ये ऑब्लिगेट एनएरोब हैं। अगर आप इनको ऑब्लिगेट एनएरोब बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये विदाउट ऑक्सीजन ही सरवाइव कर लेंगे। बोलिए, अब आगे की बात। सेल वॉल मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, इनकी जो सेल वॉल है बच्चों वो और बैक्टीरिया की तरह पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी है। इनकी जो सेल वॉल है बच्चों वो स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई है। इसीलिए और इसीलिए बच्चों ये किसी भी हार्श कंडीशन में रह लेते हैं। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनकी बच्चों वो मोनोलिपिड की है। देखो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बच्चों मेम्ब्रेन जाके देखें, सेल मेम्ब्रेन, वो बाइलिपिड, जब हम सेल बायोलॉजी में जाके पढ़ते हैं तो वो बाइलिपिड देखने को मिलती है बच्चों, लेकिन इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों वो मोनोलिपिड टाइप की है। चलिए, अब यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया बच्चों, सच्चे बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन और म्यूरामिक एसिड, ये इनका मामला सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मोनोलिपिड, मोनोलिपिड की। बोलिए, तो ये वाली बात भी जरूरी है बच्चों, ये वाली बात हम कर चुके हैं और अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब अपना वही आर्चे बैक्टीरिया जो कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल हैं, इनको शुरू कर रहे हैं। गर्मी ज्यादा है डॉक्टर साहब, पानी पी पी के काम चलाना पड़ता है तभी गला काम करता है। अगर एक घंटे पढ़ा रहे हैं तो 10 बार पानी पीना ही पड़ता है तभी बॉडी चार्ज होती है, और पानी से अच्छा एनर्जी ड्रिंक कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, तो आर्चे बैक्टीरिया मतलब लिविंग फॉसिल हैं ये। अब मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां यही है बच्चों कि बार बार पेन सेलेक्ट करना पड़ता है।
जितने भी बच्चे पार्थियन वायु पे पढ़ते हैं सारे बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं, ऐसा हमें भरोसा है। भरोसा इसीलिए है क्योंकि जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो एनसीईआरटी को रेफरेंस मान के दे रहे हैं, और कुछ ज़रूरी बातें जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आने का चांस होता है उसकी बात भी हम यहाँ कर लेते हैं साइड में पेन से लिख लिख के। तो अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो डॉक्टर बनना आपका तय है बच्चों। और देखो डॉक्टर आप एक साल में बन जाएंगे बच्चों, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको मार्केट में सोसाइटी में 10-15 साल अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत डेडिकेशन के साथ। तब आप एक देखो गली मोहल्ले में न जाने कितने MBBS बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है बच्चों। लेकिन अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, एम्स में या KGMC में या लेडी हार्डिंग में, ऐसे कॉलेज में, या MAMC जो दिल्ली वाला है, इस टाइप के कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा बच्चों अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। इसीलिए मेहनत करिए और मुनेरा पे वापस आ जाइए। चलिए आर्चे बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें तीन टाइप के बैक्टीरिया मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों आपको, एक आपका मीथेनोजेंस, दूसरा आपको हेलोफाइल्स, चौथा आप तीसरा आपका थर्मो एसिडोफाइल्स। देखो बच्चों एक मैं आपको बात बता दूं, ये जो फाइल्स लिखा हुआ है फाइल्स का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला। तो हेलो फाइल्स मतलब बिल्कुल सॉल्टी कंडीशन वगैरह में रहेगा, ऐसे कंडीशन को ये प्यार करता है। थर्मो एसिडोफिल, थर्मो मतलब टेम्परेचर है ना, तापमान। तो ये ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं। तो मैं तो पहले आपको मीथेनोजेंस के बारे में बताऊंगा बच्चों। तो मीथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेनोजेंस मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और ये कहाँ रहते हैं बच्चों, मार्शी एरिया में, गंदे एरिया में, गोबर में, दलदल में, कीचड़ में, ऐसी जगह रहेंगे ये। तो नाम है इनका मीथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। दूसरी बात, आपको ये राइस एंड पैडी फील्ड्स में भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी बात आप कर सकते हैं। तो ये आपको जो मीथेनोजेंस बैक्टीरिया है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये आपको मार्शी एरिया में, दलदल, कीचड़, ऐसी जगह देखने को मिलेंगे। ये आपको राइस एंड पैडी फील्ड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं बच्चों इन द रूमन ऑफ कैटल्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा। रूमन ऑफ कैटल्स मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है ना बच्चों, कैटल्स, ये जो गाय भैंस जो होते हैं, इनका जो रूमन है कैटल्स का, यहाँ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं। और ये ऑब्लिगेट एनएरोबिक्स हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव करते हैं। और मीथेन प्रोड्यूसिंग मतलब बायोगैस बना रहे हैं। तो ये वाला भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अपना आ जाएगा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया मतलब जो सॉल्टी कंडीशन को प्यार करते हैं। कैसी कंडीशन को प्यार करते हैं बच्चों, एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन को। और ये फैकल्टेटिव एनएरोब हैं बच्चों। कैसे हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब हैं, मतलब ये विदाउट ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं और एरोबिक भी हैं। अगर आप इनको ऑक्सीजन दे दोगे तब भी सर्वाइव कर जाएंगे, अगर आप इनसे ऑक्सीजन छीन लोगे तो ये एनएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये वाली बात आप याद रख लें, तभी इनको फैकल्टेटिव बोल रहे हैं। अगर यहां ऑब्लिगेट लिखा होता तो फिर ये अलग बात हो जाती। चलिए अब अपना थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब जो हाई टेम्परेचर पर हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। और ये भी बच्चों कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब। फैकल्टेटिव एनएरोब मतलब अगर आप इनको ऑक्सीजन दे दें तब भी सर्वाइव कर जाएंगे, वरना ये फैकल्टेटिव एनएरोब हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर जाएंगे। और ये आपको कहां मिलते हैं बच्चों, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाली पॉइंट
आप याद रखें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बोलिए, इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इस फाइल को, और अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अब अपना चालू हो रहा है बच्चों यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब होता है बच्चों फ्रू बैक्टीरिया। और यहां से अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये अपनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। चलिए देखिए, रिजिड सेल वॉल है, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया बच्चों, इनकी जो सेल वॉल है रिजिड है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, मोटाइल हो सकते हैं मतलब फ्लैजिला हो भी सकता है, या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं मतलब नॉन फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं। फ्लैजिला हो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है, कैसे भी हो सकते हैं, विद फ्लैजिला विदाउट फ्लैजिला। दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक आपका साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो, मतलब बी जी ए, इसको बी जी ए भी बोल सकते हो बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये एक आपका माइकोप्लाज्मा है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है बच्चों, इसको आप पी पी एल ओ भी बोल सकते हो। बोलिए, है ना, तो दो टाइप के हैं, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं, एक माइकोप्लाज्मा जिसको आप स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर कहां तो आप बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे, अब आपने साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया, ये तो सर आपने गलत बोल दिया। लेकिन मैं बच्चों आपको बता दूं, इसको मैंने गलत नहीं बोला है, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा है जिसकी वजह से मैंने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला है। इसकी बातें अपन आगे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बच्चों कि देखो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला। देखो, जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करी जा रही थी बहुत पहले, अब तो हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी ना, उस टाइम पे क्लास साइनोफाइसी में, क्लास साइनोफाइसी माइक्सोफाइसी में इनको ऐड कर दिया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको क्लास साइनोफाइसी या माइक्सोफाइसी क्लास थी, उसमें इनको ऐड कर दिया था बच्चों, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पर। और इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी एल्गी जैसी या प्लांट किंगडम जैसी हैं बच्चों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी नाम दे दिया गया है बच्चों। और इसका जो नाम दिया गया है ना बच्चों, वो भी मैं बता दूं आपको, आईसीएनबी के अकॉर्डिंग दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग दिया गया है बच्चों? आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। जैसे आईसीबीएन होता है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसी तरीके से आईसीएनबी होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। तो इसके द्वारा ये जो है नाम दिया गया है। चलिए अब मैं इस स्लाइड को हटाने के बाद अब मैं आगे वाली स्लाइड पर जा रहा हूं बच्चों, चलिए मेरे साथ। और अब फिर से वही पेन लेना पड़ेगा, कलम के अलावा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। कलम उठाइए, पिस्तौल नहीं,
कलम ज़्यादा ज़रूरी है यार, हैं भाई, कलम ज़्यादा ज़रूरी है, पिस्तौल ज़रूरी नहीं है। पिस्तौल उठाने के लिए तो बहुत लोग हैं, कलम ज़्यादा ज़रूरी है भैया। कलम उठाएंगे तो समाज का अच्छा विस्तार हो पाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। साइनोबैक्टीरिया, उठा ली कलम, साइनोबैक्टीरिया, इनको बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बता दिया है क्यों बोलते हैं और आगे बताऊंगा आपको क्यों बोलते हैं। सेल वॉल इनकी रिजिड है, सराउंडेड बाय जिलेटेनियस म्यूसिलेज, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि सेल वॉल जो है इनकी साइनोबैक्टीरिया की वो सराउंडेड रहती है बच्चों, एक जिलेटेनियस म्यूसिलेज मतलब चिपचिपा है ना, चिपचिपा टाइप एक सब्सटेंस है जिलेटेनियस, उससे इनकी जो मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल जो है वो सराउंड रहती है। ये क्या है क्या नहीं आगे अपन देखेंगे। साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव फ्लैजिला, इधर कोई फ्लैजिला नहीं है। चलिए, यूनिसेलुलर है ये बात तो आपको भी पता है, लेकिन ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं और फिलामेंटस बन जाते हैं। ये वाले पॉइंट को मैं इधर बना के लिख दे रहा हूं। देखो बच्चों, होते तो ये यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ये मैंने साइनोबैक्टीरिया ले लिया, अब दूसरा यूनिसेलुलर वही साइनोबैक्टीरिया आएगा और इससे चिपक जाएगा, एक और आएगा, एक और चिपक गया, एक और चिपक गया, इस तरीके से क्या है बच्चों, ये बैक्टीरिया एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो ये कॉलोनी बना लेते हैं। भाई एक पड़ोसी, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे हजारों लाखों एक दूसरे के पास साइनोबैक्टीरिया आके चिपक गए और चिपकने के बाद ये कॉलोनी बन गई, मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन गया एक। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर ये तो मल्टीसेलुलर हो गया। बच्चों मल्टीसेलुलर नहीं है, ये अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बस एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों, ये बस चिपका हुआ है कॉलोनी बनाने के लिए। तो ये वाली बात आप याद रखें, मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर ही है, बस यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एक दूसरे से चिपक गए हैं, सेल अलग अलग है, बैक्टीरिया अलग अलग ही है। चलिए, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, नाइट्रोजिनस फिक्सर होते ही हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर बच्चों, मराइन में भी पाए जा सकते हैं, और या फिर आपको बता दूं बच्चों टेरेस्ट्रियल में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, साफ सुथरे पानी में, जैसे कि तालाब में, नदियों में। तो तालाब और नदियों का पानी जो होता है बच्चों फ्रेश वाटर होता है, समंदर का पानी खारी पानी सॉल्टी वाटर होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन जिस पे मैं अभी खड़ा हुआ हूं। एक और बात बच्चों, सबसे जरूरी बात है, सारे डॉक्टर से ध्यान दे लो, साइनोबैक्टीरिया के पास एक गैस वैक्यूल भी होता है मेरे दोस्तों, गैस वैक्यूल प्रेजेंट, लेकिन ये स्यूडो वैक्यूल होता है। अब मैं आपको बात बताऊं बच्चों, स्यूडो वैक्यूल मतलब एक तो इनके पास गैस वैक्यूल है, वो भी स्यूडो वैक्यूल है, और ये काम क्या करता है बच्चों, ये बायोएंसी प्रोवाइड करता है, बायोएंसी प्रोवाइड करता है बच्चों, क्या प्रोवाइड करता है, बायोएंसी प्रोवाइड करता है बच्चों। बायोएंसी प्रोवाइड करने का मतलब है तैरने के लिए, फ्लोट करने के लिए। बच्चों आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा आर्किमिड प्रिंसिपल वाला बायोएंसी फोर्स, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, इसीलिए ये जो गैस वैक्यूल है ये इसको पानी में फ्लोट करने के लिए अलाउ करता है, बायोएंसी प्रोवाइड करता है, ऊपर अपथ्रस्ट प्रोवाइड करता है, तो ये रहते हैं यहां पर और ये एल्गल ब्लूम बना लेते हैं बच्चों। क्या बना लेते हैं बच्चों, एल्गल ब्लूम बना लेते हैं। एल्गल ब्लूम मतलब आपने गांव देहात में या शहरों में देखे होंगे, तालाब के ऊपर ग्रीन कलर की पूरी एक बेडशीट टाइप, चादर टाइप बिछ जाती है ग्रीन कलर की पूरे में, वो क्या है बच्चों, वो साइनोबैक्टीरिया ही तो है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गल ब्लूम। और उस वो तैरती क्यों रहती है, फ्लोट क्यों करती रहती है, क्योंकि उसके पास गैस वैक्यूल है बच्चों, उसको बायोएंसी प्रोवाइड करता है, बायोएंसी अपथ्रस्ट प्रोवाइड करता है, तो फ्लोट करता रहता है। इसकी खास बात यह है कि बच्चों पता है क्या होता है, जब एल्गल ब्लूम की वजह से ना ये जो नीचे उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो बेचारे मर जाते हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है, तो ये भी बात आप याद रखें, है ना। तो ये सारी पॉइंट मैंने आपको बता दी है। चलिए,
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, कौन से ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो कि यहां आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अब देखो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैंने आपको बोला था कि साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो आपने मुझसे सवाल किया था कि सर आप बैक्टीरिया पढ़ा रहे हो, इसको आप एल्गी क्यों बोल रहे हो? तो मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं इसको एल्गी बोल दे रहा हूं, और इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको रख दिया गया था, साइनोफाइसी क्लास में। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली बार कभी नहीं पढ़ाया है कि आपको कहीं भी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, आपको कहीं भी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो वहां देखने को मिलेगा ना बच्चों, जहां पर आपको सेल ऑर्गेनल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन यही एक ऐसी खास बात है इन बैक्टीरिया की बच्चों, साइनोबैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, जहां पर आपको एक खास बात यह है कि क्लोरोफिल देखने को मिल रहा है बच्चों, जो कि ग्रीन कलर देने वाला है बच्चों, हरा कलर देने वाला है, क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। यह एक एक्सेप्शन है, और बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, जिसमें से एक एक्सेप्शन ये रहा कि क्लोरोफिल ए, वरना भैया बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में कहां से क्लोरोफिल आ गया यार? बैक्टीरियोविडेन, बैक्टीरियोपरपुरिन तो समझ में आता है, लेकिन यार क्लोरोफिल ए समझ में नहीं आता, तो ये क्लोरोफिल ए एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आएगा और पार्थियन बायो के बच्चे क्वेश्चन को सही करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक खास बात है, क्लोरोफिल ए मिलता है जो कि ग्रीन कलर देता है। बोलो बात समझ आ गई। अब आएगा अपना दूसरा पिगमेंट फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर देता है बच्चों, और साइनिन का मतलब तो होता ही ब्लू है। दूसरा, तीसरा पिगमेंट है फाइकोअर्थ्रिनिन बच्चों, अर्थ्रिनिन का मतलब तो होता ही रेड कलर है, एर्थ्रोसाइट रेड कलर देता है, एर्थ्रोसाइट तभी तो उसको बोल रहे हैं अर्थ्रोसाइट, अर्थ्रोसाइट मतलब जो आपकी आरबीसी होती है उसको अर्थ्रोसाइट बोलते हैं, तो इसीलिए फाइकोअर्थ्रिनिन भी देखने को मिलेगा जो रेड कलर देगा। अब अपने एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जहां पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया कौन से है देखना बेटा। एक आपका नोस्टॉक एनाबीना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, गारंटी दे रहा हूं सवाल आएगा, नोस्टॉक एनाबीना जो कि फ्री लिविंग होते हैं बच्चों, फ्री लिविंग बिल्कुल फ्री रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और सिंबायोटिक बैक्टीरिया है बच्चों, या तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है या फिर सिंबायोटिक बैक्टीरिया है, या तो अकेले रहेंगे फ्री, या फिर वो सिंबायोसिस रिलेशनशिप में रहेंगे। दूसरा अपना स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो कि सिंगल सेल प्रोटीन है बच्चों, सिंगल सेल प्रोटीन, आपने देखा होगा बच्चों बहुत सारे एस्ट्रोनॉट वगैरह जो होते हैं वो जब ऊपर जाते हैं बच्चों अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में जब जाते हैं जो भी अपनी रिसर्च के लिए, तो वो यहां से छोले भटूरे और राजमा चावल पैक करा के नहीं ले जाते हैं, उनको वहां खाने के लिए बच्चों, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बच्चों, स्पाइरुलिना से बनी हुई टेबलेट्स दी जाती हैं, छोटी छोटी गोलियां दी जाती हैं। अगर वो उनको स्पाइरुलिना की टेबलेट को खा लेते हैं तो उनका प्रोटीन का या जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, इसमें भर भर के प्रोटीन होता है बच्चों, भर भर के प्रोटीन। दूसरा माइक्रोसिस्टिस और ऑसिलेटोरिया, ये एल्गल ब्लूम बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? एल्गल ब्लूम बनाते हैं, मैंने आपको बताया भी था एल्गल ब्लूम अभी। चलिए एक आपका टोलीपोथ्रिक्स एंड ओलोसोरिया है बच्चों, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजनस फिक्सर यूज्ड इन पेडी फील्ड, जो चावल धान की जो खेती होती है वहां पर ये नाइट्रोजन को फिक्स करके, नाइट्रोजनस फिक्स करके बच्चों नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना देते हैं बहुत सारे, है ना? तो ये वाली बात भी अपनी हो चुकी है। चलिए यहाँ कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो बताओ, ये क्लोरोफिल ए वाला यहाँ खास बात है बस, सबसे जरूरी, बाकी तो क्या ठीक है। बोलिए, चलिए अब मैं आपको आगे एक बात बताऊंगा। ये रहा सबसे खास चीज, नोस्टॉक फिलामेंटस है बच्चों, है ना? ये है
थोड़ा सा। चलिए बच्चों, फिर अपना वही नोस्टॉक फिलामेंटस, मैंने बोला था ना जो कॉलोनी बन जाती है फिलामेंटस, तो नोस्टॉक बैक्टीरिया का इस तरीके से मैंने आपको ये एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है बच्चों, और इसका डायग्राम भी है, ये एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है, इसी टाइप का वहां दे रखा है। यहाँ देखो सबसे खास बात क्या है, देखो एक तो ये म्यूसिलेजिनस सीथ है, ये रही बात इस तरीके की, ये जो सीथ दिख रही है आपको लेयर टाइप, ये म्यूसिलेज ये है। खास बात बच्चों यहाँ ये है हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का सेल है, ये बच्चों एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत काम में आता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का सेल है हेटेरोसिस्ट बच्चों, यहां से क्वेश्चन भी कई बार आता है, आप पुराने पेपर पलट के देखिएगा बच्चों, 10 साल तक के आप देख लीजिएगा, आपको हेटेरोसिस्ट से क्वेश्चन इतनी बार देखने को मिलेगा। तो भैया अगर आपको डॉक्टर बनना है तो स्पेशल टाइप के सेल को याद रखिएगा, स्पेशल डॉक्टर बनना है तो स्पेशल सेल है आपके लिए, नोस्टॉक के अंदर फिलामेंटस होता है, हेटेरोसिस्ट जगह जगह पे आप देखिएगा, आपको हेटेरोसिस्ट सेल देखने को मिलेगा जो कि स्पेशल टाइप का सेल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के काम में आता है बच्चों, और ये थिक वॉल्ड होता है बच्चों, और नॉन ग्रीन सेल है बच्चों, कैसा है, थिक वॉल और नॉन ग्रीन सेल है। तो ये आप याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना माइकोप्लाज्मा, क्या आता है बच्चों, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा सबसे जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, एक तो आप माइकोप्लाज्मा को PPLO भी बोल सकते हो, मतलब के प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और आप इसको MLO भी बोल सकते हो, मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। बोलिए, एक और खास बात बता दूं इसकी, प्लांट्स में ये ज़्यादा डिजीज करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं लेकिन कम करते हैं, प्लांट्स में ज़्यादा करते हैं। सेल वॉल इन बेचारों में एब्सेंट है, खास बात है, फ्लैजिला एब्सेंट है, खास बात है, डीएनए इनका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ये भी आपको खास बात याद रखनी है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट हैं बच्चों, सबसे छोटे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। दूसरी बात, इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब आप बोलेंगे कि सर प्लांट किंगडम, फिर से प्लांट किंगडम आ गया, कहां से प्लांट किंगडम भाई, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं क्या अभी हम, जो आप प्लांट किंगडम बता रहे हो मैं बच्चों, मेरी गलती नहीं है ये बात ये है कि जब हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते थे, जब ये RH विट्टिकर साहब दुनिया में नहीं थे, तब ये ऐसा कर दिया गया, ठीक है, तो इनको जोकर बोलते हैं। अब बताइए, इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जोकर कौन होता है बच्चों, जोकर मतलब वो होता है जो अपना चेहरा बार बार बदलता रहता है, एक आदमी का एक ही चेहरा होना चाहिए बच्चों, डबल फेस्ड नहीं होना चाहिए वो इंसान, लेकिन ये ऐसा है कि ये जोकर है, कभी कैसा अलग अलग टाइप के इसके रूप हैं, इसीलिए इसको हम प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई, चलिए एक और खास बात, इनमें ऑस्मो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब विद दी हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। बोलिए, और एक और खास बात बच्चों, इनके बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, तो जो पेनिसिलिन होती है ना बच्चों, पेनिसिलिन से ये रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, जो कि पेनिसिलियम नोटाटम फंगस से मिलती है आपको, जो कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको बताया था, अगर उस पेनिसिलिन को आप माइकोप्लाज्मा पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेनिसिलिन बच्चों सेल वॉल पर काम करती है और सेल वॉल यहां है नहीं। तो सवाल उठता है क्या कि सर हम अगर कोई भी और एंटीबायोटिक डाल देंगे तो कोई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप इस पर एम्पिसिलिन डालें,
टेट्रासाइक्लिन डालें तो काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, मैं खुद कह रहा हूँ काम करेगा, लेकिन पेनिसिलिन काम नहीं करेगा, ये वाली बात है। बोलिए, और आपको एक और बात बता दूं बच्चों, जो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है माइकोप्लाज्मा की, ये भी फैकल्टेटिव एनरोब होती हैं। फैकल्टेटिव एनरोब मतलब वैसे तो ये ऑक्सीजन में रह ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको ऑक्सीजन को छीन लोगे, ऑक्सीजन अगर इनको नहीं दोगे तब भी ये सरवाइव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले पॉइंट भी आप याद रखें। और जो प्लांट में ये जो डिजीज करते हैं बच्चों, डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स, वो मैंने कुछ बता रखे हैं। एक लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, ब्रिंजल की पत्ती जो होगी अगर माइकोप्लाज्मा ने उस पर अटैक कर दिया, तो बैंगन जो होता है, ब्रिंजल जो होता है, उसकी जो पत्ती है वो लिटिल हो जाती है, छोटी रह जाती है, और अगर जो उसकी लीफ है वो लिटिल छोटी रह गई, तो आप बताइए कि क्या अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सनलाइट ही नहीं आएगी। अब एक लीफ ऐसे है, अगर वो पतली होके ऐसे मुड़के ऐसे छोटी हो गई, तो बताइए कि लाइट अच्छे से गिरेगी नहीं, क्लोरोफिल सही से काम करेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा नहीं, तो अच्छे से फूड बनेगा नहीं। चलिए, एक डिजीज है जैसे एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर, तो ये भी आप याद रखें। तो ये आपको माइकोप्लाज्मा की मैंने सारी बातें आपको बच्चों बता दी हैं। और माइकोप्लाज्मा डिजीज जो ट्रांसमिटेड होती है ना बच्चों, वो यूजली लीफ हॉपर से होती है। कैसे होती है बच्चों? जो टिड्डे वगैरह होते हैं, लीफ हॉपर वगैरह, उनसे होती है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। मेरे हिसाब से माइकोप्लाज्मा में मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का ट्राई किया है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट और है, तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन इनके अंदर एक मोस्ट कॉमन मेथड है। बाइनरी फिजन की हेल्प से ये लोग रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, बाइनरी फिजन है ना, बाइनरी फिजन की हेल्प से ये लोग रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। और बाइनरी फिजन क्या होता है आगे देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं कि माइकोप्लाज्मा को आप पीपीएलओ बोल सकते हो, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको आप एमएलओ बोल सकते हो, एमएलए नहीं बच्चों, एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑस्मोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन है, मतलब ऑस्मोसिस से न्यूट्रिशन लेंगे। पेनिसिलिन इन पे कोई काम करती नहीं है, तो क्या इन पे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करेगी? करेगी। ये फैकल्टेटिव एनरोब होते हैं, मतलब आप इनको ऑक्सीजन दो तब भी जिंदा है, नहीं दो तब भी जिंदा है। रिप्रोडक्शन ये बाइनरी फिजन से करते हैं, जरूरी बात है। सेल वॉल इनके ऊपर एब्सेंट है, फ्लैजिला है, नीच नॉन मोटाइल है, और डीएनए इनका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट हैं, तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम लिखना मेरी गलती नहीं है, ये पुराने लोगों की गलती है, क्योंकि बच्चों टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया जाता था उस टाइम पे ये करा गया, इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, इसीलिए इनको प्लीरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, कि अपने रूप बदलते रहते हैं। डिजीज इनकी बता दी है कि प्लांट में ज्यादा डिजीज करते हैं, एनिमल में कम डिजीज करते हैं, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल और एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर। ये है आपका पूरा का पूरा माइकोप्लाज्मा। चलिए अब आगे की बात शायद कर लें। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपना, वो है बाइनरी फिजन। क्या है बच्चों? बाइनरी फिजन सबसे पहले बाइनरी फिजन बच्चों। तो बैक्टीरिया के लिए जब भी बच्चों फेवरेबल कंडीशन होंगी, तो वो बाइनरी फिजन करेगा। क्या करेगा बच्चों? बाइनरी फिजन करेगा अगर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है तो। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो बाइनरी फिजन करेगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, कैसी है बच्चों? अगर अनफेवरेबल कंडीशन है बच्चों, तो वो एंडोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? एंडोस्पोर बनाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, पूरा का पूरा, ये तो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब आप बोलेंगे तो एसेक्सुअल तो क्या सेक्सुअल भी करता है? बच्चों सेक्सुअल नहीं करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं थोड़े से एक्सेप्शन वगैरह होते हैं बायोलॉजी में,
उनकी बातें मैं बता दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप में बच्चों, पहला ये करने वाले हैं बाइनरी फिजन, और दूसरा ये करने वाले हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल है तो बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल है तो ये एंडोस्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? एंडोस्पोर। लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? ये वाला बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन, ये इनका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेथड है बच्चों बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का। और अगर बाइनरी फिजन करेंगे बच्चों तो क्या होता है कि मान के चलिए ये एक सेल है, तो इससे दो सेल बन जाएंगे, ये रहा एक सेल, ये बन गया एक सेल, ये बन गया। इस तरीके से बाइनरी फिजन होता है। और एक जैसे ही डुप्लीकेट क्लोन सेल बन जाएंगे, ये है आपका बाइनरी फिजन। बोलिए, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो यहां आपको एंडोस्पोर देखने को मिलेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंट, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है। ये बच्चों एंडोस्पोर जो है ये कैसा है? हाईली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। ये कैसे रेजिस्टेंट? टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर, एंटीबायोटिक्स, केमिकल, इस पर कोई काम नहीं करता है इस एंडोस्पोर पर, तभी तो ये अनफेवरेबल कंडीशन। मान के चलो कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, या पीएच कभी ज्यादा हो गया, कोई मॉइस्चर ज्यादा हो गया, या कभी कोई एंटीबायोटिक डाल दी किसी ने, तब भी अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये एंडोस्पोर की हेल्प से ये लोग कर सकते हैं। क्या है? कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो एंडोस्पोर वाला ये सिचुएशन आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। बताया था ना मैंने, बैसिलस, इनमें ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, अब बात आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक तरीके से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट तरीके से भी ये रिप्रोडक्शन करता है बच्चों। और इसके तीन मेथड हैं, एक आपका कॉन्जुगेशन है, एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक आपका ट्रांसडक्शन है। इसको आप सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आप सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। मतलब कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैसे मैं आपको बात बता दूं बच्चों, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो बाइनरी फिजन वाला ही पूछा जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो वो एंडोस्पोर ही पूछेगा। आज से 7-8-10 साल पहले तो ये कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है, ना अब कोई पढ़ाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम आपके दिमाग में ये चीज रहे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइन तो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना। तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये तीन तरीके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप एमबीआई में पढ़ते ही हैं, ग्रिफिथ वाले में, ग्रिफिथ 1928 वाला जो एक्सपेरिमेंट है वहां आप पढ़ते ही हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाली चीजें भी आप याद रखिएगा। तो यहां मैंने सारा आपका जो मुनेरा वाला पार्ट था बच्चों, वो मैंने करा दिया है। अब देखिए बच्चों, लास्ट में अपनी स्लाइड, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा आज का क्लास। वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बच्चों, रियली बता रहा हूँ, मुझे बहुत एनर्जी देता है अगली वीडियो को बनाने के लिए। बच्चों मैं अपनी वीडियो में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आप एनसीईआरटी पढ़ के बनेंगे, दुनिया जानती है, इसीलिए मैं कभी एनसीईआरटी का एक पॉइंट यहाँ नहीं छोड़ता हूँ। जितना एग्जाम्पल मुझे बताना है बच्चों, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एग्जाम्पल एक एक यहाँ बता दूँ। कोई मैकेनिज्म है उसको मैं बताता हूँ, कोई डायग्राम इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ रखने का ट्राई करता हूँ। तो बच्चों आप पढ़ते रहिए, और अगली वीडियो में जब भी हम पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा वाला जो किंगडम है वो अपना शुरू होगा। और इस वीडियो का जो लिंक है बच्चों, वो आपको टेलीग्राम का हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं, वहाँ से आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ ज्वाइन हो जाइए। सारा पीडीएफ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और यूट्यूब वीडियो को देख के आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको वहाँ जवाब देने के लिए 24 घंटे रेडी हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जुड़िए आप हमसे।
चलिए धन्यवाद, आज की क्लास अपनी पूरी होती है।